नमस्कार, स्वागत है आपका ENN भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। 13 मई को चौथे चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। लोकसभा चुनावों के चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोटिंग हुई। इन सीटों पर वोटिंग से पहले बहुत सी चीजें चर्चा में रही, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहा पीएम नरेंद्र मोदी का वो बयान जिसमें उन्होंने अडानी और अंबानी के पास काला धन होने की बात कही। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझा दे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अडानी अंबानी से टेम्पो भर भर के काला धन लिया है, यानी कि मोदी जी मानते हैं कि अडानी और अंबानी के पास काला धन है। मोदी जी के इस बयान पर राहुल गांधी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा था कि अगर आपको लगता है कि मैंने उनसे पैसे लिए हैं तो आप ही की सरकार है, आप गिरफ्तार करो, ईडी सीबीआई को भेजो। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, CBI ED को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। राहुल गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चौथे चरण के चुनाव के बाद इस बात को कह दिया कि अगर आपको लगता है कि अडानी अंबानी के पास काला धन है, तो जब आपने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है, केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, तो अडानी अंबानी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या पांचवें चरण से पहले ऐसी कोई कार्यवाही अडानी अंबानी पर हो सकती है, क्या पीएम मोदी उन्हें गिरफ्तार करवा सकते हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये बयान कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से अडानी अंबानी को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि राजनीति में इस तरह के बयान आते जाते रहते हैं। लेकिन हाँ, राजनीति करने के लिए ये मुद्दा बुरा नहीं है, इस मुद्दे को छेड़ा जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पर पीएम मोदी ने काले धन की बात की है। अब अडानी अंबानी को गिरफ्तार किया तो भी मोदी जी फंसेंगे और नहीं किया तो भी मोदी जी फंसेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या नरेंद्र मोदी एक मिसाल पेश करने के लिए इस तरह का कोई कदम उठाएंगे? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।